हेलो एवरीवन, दिस इज़ फ्यूचर ग्लोबी सारांश गुप्ता और आज मैं आपको साइंस क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी का, जो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, चैप्टर नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, vitamins are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. All living organisms require food. Plants can make their food themselves, but animal including human cannot. They get it from a plant or animal that eats plant. The human and animal are directly or indirectly depends on plants. So friends, ये इसमें हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो मीन्स हम लोग हर एक लिविंग बीइंग जो होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन हो गया, चाहे वो जो इंसेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, चाहे वो जो हो, उसे एक मीन्स फूड की ज़रूरत होती है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में और कई सारी क्लासों में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और मिनरल्स, ये सब एक कॉम्पोनेंट ऑफ फूड है। और ये सब कॉम्पोनेंट ऑफ फूड आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी मीन्स बहुत ज़रूरी है, और इसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड डेमसेल्व, बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। और सब लोग जानते हैं कि जो फूड होता है वो सबको रिक्वायर है, पर जो फूड होता है वो खाली प्लांट बना पाता है अपना, वो खुद अपना प्लांट फूड अपना बनाते हैं, बट ना कोई एनिमल बनाता है अपना फूड, ना कोई ह्यूमन अपना फूड अपने आप से बना सकता है। दे गेट इट फ्रॉम अ प्लांट्स और एनिमल दैट ईट। और ये कहने जाते हैं, ये बुक ये कहने जाते हैं कि जो हम लोगों को फूड मिलता है वो चाहे एक एनिमल को, हम चाहे डाई एनिमल को खाएं, और या फिर हम मीन्स मीट खाएं, या फिर हम प्लांट्स मीन्स प्लांट्स के फ्रूट वूट खाएँ, दैट ईट प्लांट। थ्यूज ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि जो ह्यूमन होता है और एनिमल होता है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट को। अब जैसे एक डियर है और उसने प्लांट एक था तो उसको खाया, प्लांट को खाया, तो अब वो उसने खा लिया, तो अब उसके पेट में है वो खाना, अब उसको लॉयन ने खा लिया, तो अब उसके बाद वो डाई हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग ये समझिए कि किस तरह वो लायन को लगेगा, हमने तो उसको खाया, पर वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आता है उस प्लांटी के पास। आपको फूड मिलता है कहाँ से? प्लांट्स के पास। आप रोटी खाते हैं तो रोटी गेहूं से आती है, और गेहूं एक गेहूं के पेड़, छोटे से उस पेड़ कहा जाता है, जिसको हिंदी में धान कही जाती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट आर द only organism that can prepare food for themselves by using the water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surrounding. अब इसमें ये वाले modes of nutrition in plants. अब कैसे means nutrition जो होता है वो plant के पास आता है। तो अब देखिए कि जो plant होते हैं वो living organism ही हैं, वो organism हैं, पर वो अपना जो food होता है वो खुद बनाते हैं, कैसे? वो वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग ऑक्सीजन लेके उसको छोड़ते हैं, जो एयर हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और मिनरल्स जो मींस वो उसमें कहते हैं हर जगह हर सराउंडिंग में पाई जाती है, और उससे और रॉ मटेरियल जो सराउंडिंग में होते हैं उनकी प्रेजेंस से वो अपना फूड बनाती है। द न्यूट्रिशन एनेबल अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड बॉडीज, टू ग्रो, रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट द प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइज बाय द बॉडी। अब इस वाले पैराग्राफ में कहते हैं जो न्यूट्रिशन होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए, इसमें इस तरह से वो मीन्स उसको मदद करते हैं कि उसकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसको बिल्ड करने के लिए, मीन्स उसको ग्रो करने के लिए, और जो उसके डैमेज पार्ट्स होते हैं उसको सही करने के लिए। अब और जो एनर्जी होती है प्रोवाइड करती है, वो सब उनको फूड ही से मिलती है, और इसीलिए कहा जाता है कि न्यूट्रिशन एक
एक मींस ह्यूमन के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत नेसेसरी है, और इसको आप इसी की वजह से आप यूटिलाइज अपने बॉडी के मींस उसको संतुलन आ रहे तो उसमें है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम अ सिंपल सेंटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब जो इसमें बता रहे हैं कि जो एक मोड होता है न्यूट्रिएंट का, जो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड कौन बनाता है, जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं और उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन सेल्फ, इसमें लिखा है ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स की मीनिंग ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स, ट्रॉप्स मीन्स, ट्रॉप्स मीन्स न्यूरिशमेंट, सेल्फ मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स न्यूरिशमेंट्स, तो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिएंट्स। देयरफॉर द प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो मैंने आपको भी बताया कि जो प्लांट्स हैं वही अपना फूड खाली बनाते हैं और ह्यूमंस उनकी उनका फूड जो होता है उसको लेके बनाते हैं, इसलिए वो जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म दैट ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। हेटरो इक्वल्स टू अदर। अब इसमें ये बता रहे हैं आपको जो एनिमल हो गए, जो ऐसे मैंने आपको बताया एनिमल हो गए और मोस्ट जो एनिमल हो गए, ह्यूमंस भी हम लोग अपना खुद खाना तो बनाते नहीं हैं कि हम लोग ऑक्सीजन ले लिए, सनलाइट ले लिए, हर चीज़ से बना लिया अपना फूड खुद से, हम लोग भी प्लांट लेते हैं, तो एक तरह से हम लोग भी हेटरोट्रॉप्स ही हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन द सर्टेन पार्ट्स। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन अ न्यू मटीरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो फूड होता है वो खुद बनाता है प्लांट, तो वो हर लोकेशन में कैसे भेजता है, वो मीन्स ट्रांसफ़र कैसे करता है फूड फैक्ट्रीज से प्लांट्स में, तो वैद किया क्या हर जगह मीन्स प्लांट में उसकी फूड फैक्ट्री होती है या फिर एक सर्टेन जगह पे उसकी फूड फैक्ट्री होती है, और ये मीन्स अपना क्या कहते हैं सराउंडिंग से रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट द फूड फैक्ट्रीज टू द अदर प्लांट, और वो कैसे अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को अलग अलग पार्ट्स में, जैसे लीफ से स्टम तक पहुंचाया, कैसे पहुंचाया, वो जल के देने तो जाते नहीं है, तो अब हम लोग समझते हैं कि आगे कैसे ये सब होता है। तो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, और आप लोगों ने हमेशा इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा फोटोसिंथेसिस। आप क्लास फोर्थ में होंगे तब भी सुना होगा, क्लास फिफ्थ में होंगे तब भी सुना होगा, क्लास थर्ड में भी सुना होगा, पर इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हुई होगी। Leaves are the food factories of a plant. The synthesis of food in a plant occur in leaf. अब synthesis का meaning क्या होता है? Synthesis का meaning होता है combine करना, किसी चीज़ को अपने से combine करना। तो लीफ आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट्स। अब इसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि ये कहाँ होता है फूड फैक्ट्रीज, तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि जो लीव्स होती हैं, जो आपकी लीव्स होती हैं वो होती हैं फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आपकी क्या है? लीव्स आपकी फूड फैक्ट्रीज है। अब आगे समझते हैं कि आपको ये दो क्वेश्चन का आंसर समझ हो गया। आपने पूछा था एक क्वेश्चन में, बुक में क्वेश्चन था कि वो हर जगह फूड फैक्ट्री होती है कि एक जगह, तो इसका आपको पता चल गया कि वो लीव्स में होती है, हर मींस हर लीफ में उसकी फूड फैक्ट्री होती है। द सिंथेसिस ऑफ अ फूड इन प्लांट अकर्स इन लीव। अब जो फूड होता है वो सिंथेस प्लांट में कहाँ अकर्स करता है? तो लीफ में। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, वाटर मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ। अब जो ये होता है कि ये
जो रॉ मटेरियल्स होता है ये कैसे पहुँचते हैं उसमें, तो वाटर मिनरल्स जो होते हैं सॉइल में आप लोग पानी डालते हैं तो सूख जाता है, और सूख के थोड़ी देर बाद आप लोग कभी इसको ट्राई कीजिएगा, आप पानी नहीं देंगे तो थोड़ी देर बाद जो लीव्स होंगी वो नीचे बेंड कर देंगी, और उसके जब आप पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेट कर लेगी, तब उसको मीन्स अपने मीन्स फूड मिल जाएंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर होती है, जो एयर टेक कहाँ से करते हैं तो टिनी पोर्स होते हैं जो लीव्स जो ली अब ये फ्रेंड्स लीफ है, सही से मैंने ड्रॉ नहीं कर पाया है, और जो इस लीफ जैसे ये लीफ है, और लीफ के जो बैक साइड जो पीछे का हो गया मीन्स जो डाउनवर्ड जो लीफ आपने सीधी देखी होगी उसके जो डाउनवर्ड्स होता है वहाँ पे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है तो वो अपना धीरे से अपना माउथ खोलते हैं, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वो अपना फिर से माउथ बंद कर लेते हैं, जैसे इस पिक्चर में बना हुआ है। ये है गार्ड सेल। आप इसको अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, इसको मीन्स मशीन से ही देखा जा सकता है, और इसी से उसी और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं तो उसके बाद ये अपना माउथ अपने आप ही बंद कर लेते हैं, और इसको कहा जाता है स्टोमेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 5th में भी 4th में भी हर क्लासों में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा स्टोमेटा। सो फ्रेंड्स आज मैं आई एम लीविंग द क्लास, सो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, सो टुमारो वी विल कैरी फ्रॉम द अदर अनदर पैराग्राफ। सो थैंक यू एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ।